देख रहे हैं घमासान.com में, मैं हूँ आपके साथ वागीशा। और आज जो समय चल रहा है, वैसे तो एक और गाने का समय चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में लोग एक गज़ल और शायरी को पसंद करते हैं। भाई शायरी और गज़ल की तो बात ही कुछ और है। ऐसे में हमारे बीच मौजूद है शरीफ केफ सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आपने देखा कि एक शरीफ केफ सर है जो शायरी और गज़ल के नाम से फेमस है, और मैं आपको बताती हूँ कि वे इंदौर के जाने माने गज़लकार और शायरीकार हैं। उन्होंने बहुत कम समय में अपना एक नाम और पहचान बनाई है इंदौर के अंदर। मैं चाहूँगी कि सर, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि दर्शक लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने शायरी की शुरुआत, आपने क्या सोचकर शायरी और गज़लकार में आपने पेश किया। जैसे लोग देखते हैं कि लोग शायरी और गज़ल को बहुत पसंद करते हैं गाने के साथ साथ, तो आपने शायरी की शुरुआत कहाँ से की? ये शायरी की शुरुआत जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में पालते हैं जी, तो बुजुर्ग जो है वो हमारे खालू रिश्ते में जी, खालू उनका आना जाना लगा रहता, गुफ्तगु उनसे होती रहती थी, इंतखाब के शेर सुनाते हैं जी, सुनाते रहे काफ़ी टाइम। तो बस धीरे धीरे वो शौक वहाँ से पैदा हुआ, और एक पालदे में एक छोटे से किसान की औलाद साहब जब, तो किसान परिवार से फैमिली से मेरा ताल्लुक है जी। और मुझे बात जो समाज के अंदर जो बचपन से जो भी देखते आ रहे हैं, जो भी उतार चढ़ाव, जैसे गांव में पहले गांव लगता था, शहर में आ गया है पालसा जी, जी। तो मैंने ये सोचा कि अब जी धीरे धीरे ये शौक पैदा हुआ जी। तो मैं कुछ कहने लगा, जब कहने लगा तो कुछ लोग पसंद करने लगे जी। तो मेरा हौसला बढ़ने लगा तो फिर एक पत्रकार हमारे जो दुबे जो दबंग में सर्विस थी गौरी शंकर दुबे जी, एक दिन उनसे मुलाकात हुई, तो उन्हें कुछ शेर मैंने सुना है जी, तो उन्होंने पसंद किया जी। तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर तो एक टैलेंट है छुपा हुआ, उसको बाहर निकालो, मैं आपको मतलब ऐसे एक शख्स से मिलाता हूँ। तो मुझे इंदौर ले गया वो डॉक्टर जिया राणा के पास जी। वो उनके मित्र थे जी। मित्र हैं उनके काफ़ी टच में, तो वो उन्होंने फिर कहा कि साहब वो इंदौर में आपके जो अंदर उज्जैन के शायर जो इंदौर में आपके शहर में रहते हैं, जो इशरत वाहिद अच्छे उस्ताद शायर हैं इंदौर के, काफ़ी उनके शागिर्द हैं। तो मैं वहाँ पर उनके पास में गया, फिर बस वो उन्हें मैंने अपनी गज़लें सुनी, उनको दिखाया, वहाँ से आपको एक मौका, वहाँ से एक मुझे रास्ता मिला, और वहाँ से उन्होंने मुझे टेल किया कि सलीका सिखाया। अब मैं ये चाहता था, सबसे पहले मेरे दिल में ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ अपने जज्बात कामयाबी लोग जान लोगों को अपन अपनी बात वहाँ तक कैसे पहुँचाएं जी, कोई अच्छे ख्याल अपने विचार अच्छा देशभक्ति की भावना अपने अंदर है जी, तो अपन उसको कैसे लोगों तक पहुँचाएं कि ये भावना सबके अंदर पैदा हो। तो सर जैसा आपने बताया कि आपने इंदौर के जाने माने गजलकार और शायर से मिले, तो सर यहाँ आज आप मुकाम पर बैठे हैं, इंदौर के आप जाने माने शायर हैं, और आपने बहुत कम समय में अपना लोगों तक अपनी शायरी गजल जी, तो कहाँ से आपको मुकाम मिला सर, कैसे आपने स्ट्रगल, आपकी थोड़ी सी लाइफ दो लाइन में आप मुझे बताइए कि आपका किस प्रकार का स्ट्रगल रहा इस लाइफ को लेकर, कितने उतार चढ़ाव आपने देखे यहाँ तक आने के लिए। यहाँ की आवाम जो है वो पसंद करने लगी मुझे। सबसे पहले तो क्या है कि आदमी के दिल के अंदर एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, और खुलूस और मोहब्बत और प्रेम वो सबसे बड़ी चीज़ है जी। अगर वो इंसान के अंदर है तो वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके हौसले बुलंद होंगे। और बुराइयाँ और गिबत अंदर लेके अपने अंदर एक जिलस की भावना लेके अगर आदमी रहेगा तो वो कामयाब नहीं है जी सर। एक प्रेम बांटना मोहब्बत बांटना तो वो उसके लिए हर रास्ता आसान है जी सर। तो मेरा जो रहा है कि मैंने भी कुछ इसी तरीके से जो लोगों को अपना प्रेम देकर आज कामयाबी, और मैंने उन लोगों को मतलब जैसे कुछ लोग जैसे नाराज भी हुए, खिलाफ भी हुए कि नया आदमी आया है तो उसको तवज्जो दी जा रही है, तो एक अदब की खिदमत, एक अदब की सेवा, एक साहित्यकारों की सेवा, एक शायरों की खिदमत,
मतलब मैंने रात और दिन मेरे जहन में बात बन गई कि यार कुछ तो किया जा सकता है, कि कम से कम अपने अंदर अगर है तो उसको निकाल के लोगों तक पहुंचाएं और अपनी बात रखें। तो मैं जो देखता हूँ जो हालात बने हुए हैं, तो हर बिगड़े जब हालात बिगड़ते हैं, तो सबसे पहले जो मैं दुकान पे बैठा हुआ था तो एक जो बाबरी कांड अपने उस वक्त हुआ था, वो पहली बार मैंने कलम उठी तो कर्फ्यू लगा हुआ था, और कर्फ्यू में जो है 2 घंटे की ढील मिली जी। तो वहाँ से मैंने जो है वो बैठे बैठे लिखा, तो मैंने बस उस टाइम पे मैं शायर नहीं था, लेकिन शुरुआत मेरी वहाँ से हुई है। मैंने जो लिखा ना कि सन्नाटा है, मैंने दुकान खोल के बैठा हूँ और मेरे जहन में बातें कुछ खबरें मिल रही हैं जैसे अखबारों के जरिए टीवी के जरिए, तो मैंने लिखा कि मंदिर तोड़ रहे हैं हम, मस्जिद तोड़ रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। मंदिर तोड़ रहे हैं हम, मस्जिद तोड़ रहे हैं हम, ये क्या कर 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 रहे हैं हम। और देखें कि वो कब ये टाइम कितना हो गया उस बात को, बापरे बहुत काफी समय है ना। बस वो जेहन में अभी ताजा हुआ, आपने जो सवाल किया कि कैसे क्या, तो वो सब जेहन में आ गए मेरे पूरा। जी सर, वो बहुत जरूरी था। जैसे आपने देखा कि आज आप इंदौर के बहुत जाने माने शहर हैं, तो सर एक स्ट्रगल, कोई भी इंसान कहीं तक पहुंचता है तो उसके पीछे बहुत कामयाबी, बहुत लोगों का हाथ रहता है। तो उसी सर मैं ये चाहूंगी कि आप आज शायर और गजल बोलते हैं, तो आप कहाँ कहाँ आपने काम किया है। मैं भी बुरहानपुर मुझे बुलाया गया जी, वहाँ मेरा सम्मान किया गया, क्योंकि खबरें आजकल तो ये सोशल मीडिया से खबरें फैलती हैं कि एक अदब की खिदमत को अंजाम देने वाला शख्स एक नया, और शायरी भी जो है वो एक मोहब्बत का पैगाम, तो उन्होंने मुझे बुला के एक नौजवानों की फहरिस्त में उन्होंने सम्मान किया। मुझे अजमेर बुलाया गया, वहाँ में मुझे बुला के वहाँ सम्मान किया गया। यहाँ अपने इंदौर में जो है 2-3 जगहों पर मेरा सम्मान किया गया। तो बस मेरे जज्बात ही, मेरी गजलें जो है वो एक बस दिल की आवाज़ है। मैं जैसे कि एक मतला पेश करता हूँ, जो भी माहौल बनाना, जो माहौल जैसे आजकल चुनावी चल रहा है, पुलवामा हमला हुआ, ये सब चुनावी माहौल है, इस सब आ जाता है। मैं जो आपको सुना रहा हूँ कि जो भी मतलब ये जब जब चुनाव आते हैं जी, तो खैर वो तो अपनी जगह, लेकिन मेरी जो सोच ये शायद जो देखता है जो सुनता है वो उसकी ऑटोमेटिक कलम चलती है। देखो मतलब देखें आप कि तस्वीर को बदलते हुए देख रहा हूँ, तस्वीर को बदलते हुए देख रहा हूँ, दिन रात को मैं जलते हुए देख रहा हूँ, तस्वीर को बदलते हुए देख रहा हूँ, दिन रात को मैं जलते हुए देख रहा हूँ। और इसी रदीफ में मैं एक और मतलब पेश करता हूँ आपके सामने कि देखा नहीं जाता है मगर देख रहा हूँ, देखा नहीं जाता है मगर देख रहा हूँ, जलता हुआ फूलों का नगर देख रहा हूँ। देखा नहीं जाता है मगर देख रहा हूँ, जलता हुआ फूलों का नगर देख रहा हूँ, जलता हुआ फूलों का नगर देख रहा हूँ। और ये शेर भी देखें कि लगता है कयामत मेरे नजदीक खड़ी है, लगता है कयामत मेरे नजदीक खड़ी है, इंसान में इंसान का डर देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लगता है कयामत मेरे नजदीक खड़ी, इंसान में इंसान का डर देखते गया। तो ये मेरे क्या है कि एक जज्बात है जी सर, ऐसा नहीं होना चाहिए जी सर। सर आपका ये कहना है कि कोई मुद्दा होता है तो आपके दिल और उससे निकल जाता है आप अपने आप कि किस तरह चुनावी मुद्दा है, पुलवामा हमला होता है, दिन पर दिन हत्या होती, तो कोई मुद्दा अगर आप अगर आपने शायरी पेश की लोगों के सामने, तो क्या आपको उसके लिए कोई स्टडी करनी पड़ती है, 2-3 दिन का समय लेना पड़ता है किसी शायर को लिखने के लिए, या फिर खुद अपने ज़बान से आप ये व्यक्त कर देते हैं अपने मन की बात? ये जो कहीं से जैसे प्रोग्राम का जैसे जो मधु किया जाता है, कहीं भी जा बुलाया जाता है, तो वहाँ का जो है स्टेज और मंच का पता होना चाहिए शायर को पहले जी, कि वो किस राजनीति मंच है, सामाजिक है या सांस्कृतिक है, वो थोड़ा सा क्या है कि पता हो जाए कि किस मौजू पे ये, तो वो थोड़ा सा क्या है कि पहले पता चलने पे थोड़ा सा उसके बारे में लिखने में आ जाएगा जी सर। और अगर वो इमीजिएट भी बुलाता है तो फिर वो स्पॉट पे जो देख के जी, वहाँ फिर जो अपने पास में इंतखाब जो स्टॉक में से फिर अपने को जो इंतखाब करना पड़ता है कि यहाँ क्या सुनाना है। सर जैसा कि अभी
माहौल जो चल रहा है चैनल्स पे, जो मीडिया सोशल मीडिया या बॉलीवुड की बात करें या इंटरटेनमेंट की बात करें, शायरी गज़ल कवाली की कुछ बात ही और है। तो सर, अगर ऐसा होता है कि आपको वहाँ से ऑफर आता है गज़ल कवाली और शायरी के लिए दिल्ली मुंबई से, तो क्या सर आप जाना पसंद करेंगे? जी ज़रूर करेंगे, क्योंकि शायर का तो काम है मोहब्बत का पैगाम देना। जी सर, और वो दुनिया के किसी भी कोने में अगर पहुँचे तो बड़ी खुशी की बात है। और शायर की ज़िंदगी में जो है, शायर का ज़्यादातर वक्त सफ़र में निकलता है। जी सर, मैंने जो है वो एक गज़ल के मतलब और एक शेर भी सुन लिया। जी सर बिल्कुल, कि ये मिजाज है शायर, मैंने जो शायर को जहन में रखते हुए गया है कि बला की धूप है लेकिन सफ़र ज़रूरी है, बला की धूप है लेकिन सफ़र ज़रूरी है, सफ़र से लौट के आना भी घर ज़रूरी है। बला की धूप है लेकिन सफ़र ज़रूरी है, सफ़र से लौट के आना भी घर ज़रूरी है। और न जाने कौन कहाँ कब हमें दगा दे दे, न जाने कौन कहाँ कब हमें दगा दे दे, हर एक नज़र पे हमारी नज़र ज़रूरी है, हर एक नज़र पे हमारी नज़र ज़रूरी है। और ये देखें कि समर नहीं न सही, छाँव तो घनी देगा, समर नहीं न सही छाँव तो घनी देगा, घरों में इसलिए बुरा शजर ज़रूरी है, घरों में इसलिए बुरा शजर ज़रूरी है। थोड़ा सा उर्दू का अल्फाज सर, गज़ल और शायरी की बात करें तो उर्दू कहीं ना कहीं शब्द आ ही जाते हैं, और उर्दू के बिना वैसे शायरी और गज़ल का कोई वो नहीं। आज उर्दू की भाषा में करें तो उर्दू का आज बहुत शायरी और गज़ल में नाम है। सर जैसा मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि अभी चुनावी घमासान चल रहा है, तो चुनाव को लेके आपकी छोटी सी शायरी मेरे दर्शक लोग जानना चाहेंगे। जी, मैं चार मिसल मैंने कहे। अब हमारे दिल में यारों प्यार होना चाहिए, जो चमन उजड़ा है वो गुलजार होना चाहिए। अब हमारे दिल में यारों प्यार होना चाहिए, जो चमन उजड़ा है वो गुलजार होना चाहिए। जो दिलों को जोड़ने का काम करती हो यहाँ, जो दिलों को जोड़ने का काम करती हो यहाँ, अब हमारे बीच वो सरकार होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, जो दिलों को जोड़ने का काम करती हो यहाँ, अब हमारे बीच वो सरकार होना चाहिए। चार मिसरे मैंने भी ये ताज़ा जो माहौल चल रहा है उसी पे कहते थे। सर चुनाव के साथ साथ एक और बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है भारत में, एक और अयोध्या मंदिर है तो एक और मस्जिद है, तो सर उसके लिए आपका क्या कहना है लोगों के बीच? घमासान चल रही है अयोध्या मंदिर ऊंचा मस्जिद, तो मस्जिद सर दोनों के बीच में एक मसला ये कि वहाँ क्या होगा अयोध्या में, तो सर आपका क्या कहना है दर्शकों से, एक छोटी सी गज़ल के द्वारा आप पेश कीजिए कि अयोध्या मामले में राम मंदिर बनना चाहिए या जो भी हो, सिर्फ दो लाइन हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये जो अयोध्या जो मुद्दा है ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी जो राजनीति सियासत जो है वो चल रही है, इसमें जो मोहब्बत और खलूस की बातों की बहुत ज़रूरत है। हर मसला कोई भी है वो खलूस और प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। ये अपना जो देश है ये सभी धर्मों का एक, सभी फूलों का गुलदस्ता है, और इसमें हर फूल अपनी जगह अहमियत रखता है। जी सर, तो उसको उसका हक, उसको उसकी उसको प्रेम मोहब्बत हर इंसान को चाहिए, और सम्मान हर इंसान चाहता है। तो जो प्यार और मोहब्बत से बैठ के जो मसले निपटते हैं वो किसी भी एक हवा बना के, एक तूफान खड़ा करके, हंगामा खड़ा करके, इससे सिर्फ एक माहौल बिगाड़ा जा सकता है, इससे कोई मसले हल नहीं होंगे। तो ये ऐसी वो एक मामला ऐसा है कि वो प्यार और मोहब्बत से क्या होता है कि प्रेम में वो ताकत है कि बस प्रेम का तो जो नाम आता है तो आप समझ जाएंगे, प्रेम में वो ताकत सारा काम मतलब उससे। तो वो मैं तो तालिब इल्म भी सीख रहा हूँ, मैं बहुत कम वक्त हुआ मुझे इसके लिए, तो शायरी बहुत बड़ा समंदर है, बहुत मुताला चाहिए इसके लिए। तो मेरे जहाँ तक कभी बहुत कम वक्त में जो मेरे बुजुर्गों के साथ बैठा हूँ और मैंने काफ़ी जो है उन इसको मैंने समझने के लिए बहुत रात दिन कोशिश की है। मैं आज भी रात में जो है वो उठ के रात में बस मुझे कोई समझने के लिए, सीखने के लिए रात में नींद नहीं आएगी, अगर कोई बात मेरे को मिल गई कि इसको समझ में नहीं आई तो उसमें सुबह हो जाती है। तो मेरी सिर्फ इतनी अपने देश और अपने हिंदुस्तान के लोगों से, हमारे जो भाइयों से सिर्फ ये निवेदन और गुजारिश है कि सिर्फ प्रेम
और प्रेम, और प्रेम ही हर चीज का समाधान है। क्या इससे बढ़ के मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें प्रेम से हो सकती हैं। ये तो सिर्फ एक तवा गर्म करना और रोटी सेकना, ये एक जो चला आ रहा है, ये तो समझ लो कि बचपन से मेरे जब से समझने लगे हैं अपन जिंदगी क्या है, तो ये बड़ा बुरा लगता है कि आखिर अच्छा भला माहौल, ये खुशनुमा माहौल, ये अचानक कैसे रातों रात में कैसे चेंजेस हो गया। ये कल तक तो अच्छा था, आज क्या हो गया? तो इससे अपना देश कमजोर हो रहा है, कमजोरी की तरफ जा रहा है। ये बड़े दानिश्वर लोग और जो दिमाग बहुत जो बड़े सुखनवर लोग, मेरी इनसे गुजारिश है, निवेदन है कि राज नेता लोगों को लेकर बैठे, क्योंकि नेता भी, सभी नेता बुरे नहीं होते हैं, नेता भी जो है समाज सुधारने का काम जिम्मेदारी उनकी है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और अपने फर्जों को अंजाम दें। सर, जैसा कि आप गजल और शायरी लिखते हैं, तो आपके घर में बड़े बच्चे, उन्होंने आपसे क्या सीखा, चाहे गजल और शायरी की बात होती है? गजल तो बच्चे जो है वो मेरे दो बेटे हैं जी सर, और मेरी वाइफ ने भी देखा कि इनको शौक है, और बेटे जो है बड़े हो गए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है अपने पालना में। जब मैंने बताया आपको कि वो काफ़ी टाइम पहले मैं अकेला बैठ के और मैंने वहीं से शुरुआत की, मैंने कि ये जो हो रहा है क्या हो रहा है, बस अब मैं किसको कहूँ, मेरे दिल की बात किसको कहूँ, तो आपने शायरी के जरिए लोगों से व्यक्त किया, बस दिल की बात किससे कहूँ, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे कि मैं हजारों लोगों को अपने दिल की बात सुना रहा हूँ, मुझे एक की जरूरत नहीं है, मैं हजारों को सुना रहा हूँ। जैसे कि मैं एक मतलब और दो शेर आपको सामने पेश करता हूँ। ये हमेशा क्या है कि दो को लड़ाने में तीसरे का हाथ होता है। जी सर, मैं मैंने ये मतलब देखें कि मेरे उसके बीच में अनबन के पीछे कौन है, मेरे उसके बीच में अनबन के पीछे कौन है, मेरा दिल तो साफ है, दुश्मन के पीछे कौन है, मेरा दिल तो साफ है, दुश्मन के पीछे कौन है। और खुशबुएं तो आ रही हैं तेरी सांसों की मगर, खुशबुएं तो आ रही हैं तेरी सांसों की मगर, तू नहीं तो फिर बता चिलमन के पीछे कौन है। खुशबुएं तो आ रही हैं तेरी सांसों की मगर, तू नहीं तो फिर बता चिलमन के पीछे कौन है। सर, जैसा कि आपने देखा कि अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है, चुनावी घमासान चल रहा है, उसको लेकर आपका जनता और दर्शकों से क्या कहना है, एक शायरी हमारे बीच आप पेश कर दीजिए। चुनावी माहौल जी सर, इसमें एक इन लोगों के लिए, इसमें चुनावी मुद्दों में एक नौजवानों का बड़ा अहम रोल होता है। बहुत, नौजवानों को जो इतना कोई इल्म नहीं होता है, जैसा उन्हें बताया जाता है वैसा करते हैं, तो एक माहौल थोड़ा सा क्या है कि बिगड़ने जैसा हो जाता है चुनाव। मैं ये चार मिसरे जो हैं वो उनको समझाने के लिए, नौजवानों को समझाने के लिए ये चार मिसरे, कि जुबान से आग उगलने से कुछ नहीं होगा, जुबान से आग उगलने से कुछ नहीं होगा, किसी को देख के जलने से कुछ नहीं होगा, चराग दिल में वफा के जलाओ तुम यारों, हसद की आग में जलने से कुछ नहीं होगा, चराग दिल में वफा के जलाओ। मैं नौजवानों से मेरा ये कहना है कि खुलूस और मोहब्बत का जो है वो तरीके सलीके से काम करें। कोई चुनाव में आज क्या है, चार दिन के चुनाव होते हैं, ये लोग क्या है कि जैसे कि ना ऐसा कुछ झगड़ा पैदा कर लेते हैं चुनाव को लेकर कि जिंदगी भर वो दुश्मनी पाल के बैठ जाते हैं। तो नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि कम से कम चुनाव को चुनाव के हिसाब से लड़ें, चुनाव को चुनाव के हिसाब से देखें, और चुनाव निकल जाता है उसके बाद भी अपना प्रेम खत्म नहीं हो, खुलूस का माहौल बना रहे। जी, तो देखा आपने किस तरह सर ने कहा कि एक शायरी, किसी की लिखी गई शायरी को आप शायर और गजल से पेश नहीं करते, शायर और गजल एक मन की बात, मोहब्बत और एहसास के द्वारा लोगों तक पेश की जाती है। तो ऐसे ही खुशनुमा जानकारियों के लिए बने रहिए घमासान.com के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।